बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 4 इनपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस में हम लोग वीडियो इनपुट को स्टडी कर रहे थे। वीडियो इनपुट में आज हमारे पास जो टॉपिक्स हमने कवर कर रहे हैं वो है वीडियो इनपुट डिवाइसेस, वेब कैम्स, वीडियो कंप्रेशन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। डिजिटल कैमरा जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे पास वीडियो कैम होते हैं जिसके ज़रिए आप वीडियोस बना सकते हैं। स्पेशली वो वीडियोस के लिए होते हैं। डिजिटल कैमरे के ज़रिए भी हम वीडियोस बना सकते हैं लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर आप वीडियो कैमरा परचेज करके आप उसको उसके ज़रिए आप वीडियोज़ बनाएंगे तो वो बहुत बेहतर होंगी एज़ कम्पेयर टू डिजिटल कैमरा। वीडियो कैमरा जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो हमारी बेसिकली हमारी तस्वीरें ही बनती हैं। हकीकत में हमारी जो वीडियोस होती है, जो आप वीडियो देखते हो, बेसिकली वो तेजी के साथ तस्वीरें होती हैं जो चल रही होती हैं। यानी कि बहुत स्पीडली हमारी जो तस्वीरें होती हैं वो कैमरा तस्वीरें ही बनाता है, और तस्वीर को फिर तेजी के साथ, मैं ऐसे एक लफ्ज बोलूंगा, ब्रस्ट के जरिए बहुत तेजी के साथ इन तस्वीरों को जब हम चलाते हैं तो फिर ये क्या होता है स्टूडेंट्स के हमें महसूस होता है कि वो वीडियो चल रही है। हकीकत में वो तस्वीर ही होती हैं, स्टिल इमेज होते हैं, और जो कैमरा बनाता जाता है जिस तरह अभी आप मुझे देख रहे हैं तो वैसे ही है, ये तस्वीरें ही बन रही हैं और तेजी के साथ आपको दिखाई जा रही हैं। साथ साथ जो है स्टूडेंट्स, उसमें आवाज भी हम कैप्चर करते हैं, और जो माइक्रोफोन होता है उस वीडियो कैमरे के अंदर वो आपकी आवाज को भी रिकॉर्ड करता है। तो साथ साथ हम उन तस्वीर के साथ जो कि आपको वीडियो की शक्ल में नजर आ रही होती हैं, जब हम उन तस्वीर के साथ आप ऑडियो चलाते हो तो आपको आवाज भी साथ साथ सुनाई देती है, और आपको महसूस होता है कि जिस तरह हम लाइव देख रहे हैं किसी सामने ठहरे हुए आदमी को कि वो बोल भी रहा है और हमें दिखाई भी दे रहा है, और जो जैसे जैसे वो मूव कर रहा है वैसे वैसे हमें नजर भी आता है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारे पास एक टॉपिक है, इसमें सिर्फ जस्ट आपने थ्योरी करनी है, बाकी इसमें हमारे पास जो लिखा हुआ है कि आपने वीडियो ग्रैब करना, ये आप इसको कवर ना कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेब कैम्स का। वेब कैम्स बेसिकली इस्तेमाल होते हैं वीडियो चैट करने के लिए। इनमें थोड़ी सी कैपेसिटी कम होती है, जो आपके पास पिक्सल होते हैं, आपके पास जो वीडियो बनाने के, यानी कि आपके पास ऑप्शन थोड़े से कम होते हैं। सिंपली कैमरा होता है, आपने वीडियो चैट करनी हो, आपने कोई कॉन्फ्रेंस करनी हो, आपने कोई बिजनेस मीटिंग्स होती हैं आपके, उनके लिए आप इनको इस्तेमाल करते थे। अभी भी अब ये बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि जब से हमारे पास ये मोबाइल्स आ गए हैं तो हम इनको इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो वीडियो कैमरा और वेब कैम, डिफरेंस आपके सामने होगा स्टूडेंट्स के, जो वीडियो कैमरा होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, उसमें आपके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं, जूमिंग का ऑप्शन होता है। वेब कैम्स में बहुत कम ऑप्शन होते हैं, हम सिर्फ उसमें कंप्यूटर के साथ अटैच करके हम अपनी जो वीडियो चैट होती है हम वो कर सकते हैं, या सिंपली हम उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह या जो कुछ भी हम उसमें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वीडियो कंप्रेशन का। वीडियो कंप्रेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी वीडियो को शेयर करते हैं। अगर आप वीडियो स्टूडेंट्स कैम के जरिए, वीडियो कैमरे के जरिए अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं तो वो बहुत हैवी होती है, बहुत उसकी जो कैपेसिटी होती है कंप्यूटर के अंदर वो जीबीज में होती है। तो वीडियो कंप्रेशन होता है, कंप्रेस करना कि वीडियो का जो साइज है उसको कम कर दिया जाए। कंप्रेशन से मुराद वीडियो का जो साइज है उसको कम करने के लिए हम कंप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ जो वीडियो कैमराज होते हैं उनके अंदर उनका बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है जो कि उस वीडियो का जो साइज है उसको कम करके, रिड्यूस करके हमें कंप्यूटर के अंदर दे देते हैं। अगर आप बेसिक सिंपली, अगर जिस तरह मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये रिकॉर्डिंग जो है वो काफी लेंथी हो जाएगी, और इसको हम अगर
यूट्यूब पे आपके आपको शेयर करें यूट्यूब के ऊपर, तो काफी बोझ पड़ जाएगा, काफी हमें स्पेस दरकार होगी इस वीडियो को शेयर करने के लिए। तो फिर हम क्या करते हैं, इस वीडियो का जो साइज है स्टूडेंट्स उसको कम कर देते हैं, उसे कहते हैं कंप्रेशन। तो वीडियो कंप्रेस करना, इसके लिए हमारे पास डिकोडर्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इस वीडियो को के साइज को कम कर देते हैं, और कुछ बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होते हैं किसी वीडियो कैम के अंदर, वो भी हमें हमें ये सहूलत देते हैं कि हम अपनी वीडियोस को कम कर दें। नंबर नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट टॉपिक है, दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आप मुझे देख रहे हो, आप मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, ये बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा अमल है जिसके जरिए आप बहुत दूर डिस्टेंस फासले पर रहते हुए आप वीडियो चैट कर सकें, आप किसी को बता सकें, आप किसी को लेक्चर दे सकें, किसी को ट्रेन कर सकें। बिजनेस मीटिंग अगर हम करें तो वहाँ पर भी हम ये वीडियो कैमरा के जरिए या वेबकैम के जरिए हम ये वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस बहुत बेहतर होता है, जिस तरह अगर एक आदमी किसी और मुल्क में बैठा हुआ है, दूसरा किसी और मुल्क में बैठा हुआ है, तो वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आप एक दूसरे को अपनी मालूमात दे सकते हैं, तब मालूमात का तबादला कर सकते हैं, और जो ट्रेनिंग्स वगैरह सेशन होते हैं, इवन एजुकेशन आजकल ये चल रहा है स्टूडेंट्स, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि लाहौर में बैठ के या मुल्तान में बैठ के या अपने घरों में बैठ के स्टूडेंट्स अमेरिका से, इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से, बहुत जो हमारे ममालिक हैं इस तरह के जो डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से बैठे हुए वो डिग्रीज को अवेल कर रहे होते हैं। तो वो सिंपली जिस तरह अभी आप मुझे देख रहे हैं, लेक्चर आप देख रहे हो अपने घरों में बैठ के, वैसे ही उनके लेक्चर होते हैं और वो लोग अपने घरों में बैठ के अपनी अपने अपने लोकेशंस पे बैठ के अपने लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, और स्टूडेंट्स उनको अपनी जो असाइनमेंट्स होती हैं वो बना के भेजते हैं। तो लाइव सेशन भी होते हैं स्टूडेंट्स, रिकॉर्डेड सेशन भी होते हैं, ये दोनों पॉसिबल हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स टॉपिक थे वीडियो इनपुट डिवाइसेस में। अब हमारे पास टॉपिक स्टूडेंट्स आ रहा है स्कैनर्स एंड रीडिंग डिवाइसेस। स्कैनर्स एंड रीडिंग डिवाइसेस स्टूडेंट्स, स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो स्टिल इमेज, अगर मेरे हाथ में कोई तस्वीर हो और या मेरे हाथ में कोई लिखाई हो और मैंने उसे कन्वर्ट करना हो कंप्यूटर के अंदर, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम इन स्कैनर्स को इस्तेमाल करते हैं। आपके पास कोई बार कोड भी हो सकता है, आपके पास कोई अलामत सिंबल्स भी हो सकती हैं, आप उनको कंप्यूटर में कन्वर्ट करना होता है तो फिर आप उनके लिए स्कैनर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो स्कैनर हमारे पास स्टूडेंट्स जो सिंपली स्कैनर इस्तेमाल होता है उसे हम फ्लैट बेड कहते हैं। उसमें जिस तरह आप लोगों ने फोटोस्टेट मशीन को देखा होगा, फोटोस्टेट मशीन की तरह हमारे पास स्टूडेंट्स स्कैनर होता है। उसमें हम कागज को उल्टा रख देते हैं और उसके बाद अपने कंप्यूटर के साथ उसको अटैच करते हैं, और जो तस्वीर हमने वहां पर रखी, जिस कागज को हमने वहां पर रखा, वो पीडीएफ फाइल में या फिर तस्वीर बन के हमारे कंप्यूटर में आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हमारे पास एक और है इसकी स्कैनर की एक किस्म है, हमारे पास शीट बेड हमारे पास स्कैनर होता है, शीट फेड हमारे पास स्कैनर होता है, जिसमें हम काफी सारी शीट्स को रख देते हैं उसकी बैक साइड पे और वो खुद ब खुद उनको स्कैन करता रहता है, उनको फाइल की शक्ल में प्रोसेस करता रहता है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास स्टूडेंट्स हैंड हेल्ड स्कैनर होते हैं कि हम अपने हाथ में स्कैनर लेके और जहां जहां पर कागज है उसके ऊपर हम घुमाते हैं और फिर उसके बाद उसको वो स्कैन करते जाता है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह ये हमारे जो टॉपिक्स हैं इनको हम परसों दोबारा कवर करेंगे मंडे वाले दिन, स्कैनर्स को भी, और इसके अलावा जो हमारे पास स्कैनर्स की अकसाम है उनको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि घर में बैठ के जितने भी हमारे पिछले लेक्चर्स हैं
मैंने टॉपिक्स आप लोगों को शेयर कर दिए थे, आप लोग काइंडली उन टॉपिक्स को काइंडली पढ़ा करें। कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो आप मुझे ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है, उसमें आप पूछ लिया करें कि सर ये टॉपिक हमने पढ़ा, हमें इसकी समझ नहीं आई, तो मुझे मुझे खुशी होगी कि मैं आप लोगों को उसका जवाब दूँ। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।